अब ये करके दिखाएंगे आपको बहुत सुपर योगा। ये देखो अपने साथ उसको बहुत बड़ा पूरे बहुत बड़ा है। ये यहाँ का प्लेग्राउंड है। ऐतिहासिक है, लोग यहाँ पर दूर दूर से देखने आते हैं गुरुद्वारे के पास में। तो यहाँ पे हम आपको आइए इसका पूरा दिखा दीजिए सब, कितना सुंदर बना हुआ है पूरा। का मंदिर देख लिया है, बहुत सुंदर मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है। अंदर कोई प्रतिमा नहीं है, बस मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। अब हम यहाँ से गुरुद्वारे के लिए निकल रहे हैं और बच्चे बहुत थक गए हैं भाई, हम भी थक गए। अब गुरुद्वारे में थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर घर जाएंगे। तो बस गुरुद्वारा लास्ट है, इसको देख के हम घर पर निकलते हैं। हाँ ये है, ये पास में यहाँ गए, ये देखो रास्ता इसका। तो हम आपको गुरुद्वारे में जाके दिखाते हैं फिर। हाँ तो हम बहुत थक चुके थे तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, ये खूफिया रास्ता मिला है, बहुत पतला सा, देखो शॉर्टकट है गुरुद्वारे में जाने के लिए। बाकी वहाँ से हम जाते तो बहुत लंबा पड़ता, तो बच्चों की थकान को कम करने के लिए हमने ये शॉर्टकट पकड़ा है। किसी से पूछा है, उन्होंने कहा कि यहाँ से आप गुरुद्वारे पहुँच जाओगे। देखो कुंड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो कुंड है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये रानियाँ नहाती थी यहाँ पे आके, सारी रानियाँ यहाँ आके नहाती थी कुंड को देखने के लिए। चलो यहाँ से कुछ है भी इसमें गंदगी, पानी है गंदा। हाँ यहाँ पे अच्छा, आप यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा करने आती थी? हाँ, और यहाँ पे भोलेनाथ पहले कहाँ वो भोलेनाथ, हाँ वो बना लो। आप इसी पे तो पूजा करने आती थी, उस तरफ से आप बताते थे। हाँ हाँ, कमल खिलता था अब पहले, अब ये गंदा हो चुका है, पहले बहुत सुंदर कमल खिलते थे इसमें। डंका मार रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ टूर करने निकले हैं और यहाँ पे दो चार दिन बिताएंगे। हमारे साथ एक लड़की है, उसने बहुत बड़ा बैग ले रखा है,
ये देखो मैं दिखाती हूँ, जितना उसका वजन नहीं है उससे बड़ा बैग है, और वो खाने पीने का सामान सब उसमें भर रखा है। रास्ते आराम से, तो ये देखो कैसे कैसे रास्ते हैं, इन पर से हमें निकल के जाना पड़ रहा है। ये देखो ये बच्चे आगे निकल चुके हैं क्योंकि ये यंग हैं। तो ये मार्केट आ गया है, यहाँ पे हमें अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिल सकता है, कोशिश करते हैं हम। तो चलो हम ढूंढते, ये गुरुद्वारा है सामने, ये देखो, और ये मार्केट है छोटी सी, सुंदर सुंदर सामान मिलता है यहाँ। ये पूरा गुरुद्वारा हम अंदर जाके दिखाते हैं। तो ये हमारे साथी हैं, हमें यहाँ मिल गए हैं, और इन्होंने भी वही देखा जो हमने देखा, पर ये धीरे धीरे घूमते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने तो खैर सास लोग भी देख लिए, टेबी को भी देख लिया। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से आई। बंगाल से आए हो, हम तो ग्वालियर के। कैसा लगा आपको ग्वालियर? अभी तो घूमना स्टार्ट है। अच्छा, फर्स्ट टूर है आपका? चलो फिर चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर, तो वहाँ ब्लॉगिंग नहीं होगी, तो हम यहाँ से खत्म करते हैं इसको। अच्छा देखो, खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट, यहाँ पे बड़ा सुकून मिल रहा है हम लोगों को। ये देखो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से, सब लोग आ रहे हैं, कुछ फंक्शन है गुरुद्वारे में तो सब लोग आ रहे हैं। ये देखो सत श्री अकाल, ये देखो अंकल जी मिल गए। अंकल जी आप कहाँ से आए हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से ही प्रॉपर? अच्छा अच्छा, ये अंकल जी ग्वालियर के ही हैं और ये भी दर्शन करने आए हैं गुरुद्वारे के, तो हमें ये मिले हैं, तो आप कुछ बताएंगे गुरुद्वारे के बारे में? गुरुद्वारे के बारे में, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बामन राजा कैद थे। अच्छा अच्छा, जो गुरु महाराज जी ने इनके लिए कैद से मुक्त कराया था, छुड़वाया था। अच्छा अच्छा, इसीलिए से दाता बंदी छोट गुरुद्वारे के नाम से फेमस है। फेमस है। अच्छा। अभी यहाँ पे 8 दिन तक एक बड़ा प्रोग्राम चला था, ये अपना गोल्डन टेंपल से अमृतसर से भी जत्था आया था यहाँ पे, और भी जगह जगह के जत्थे आए थे। आज भी कुछ है यहाँ पे है? आज भी कोई फंक्शन है? आज जैसे फंक्शन यहाँ पे रेगुलर नहीं। अच्छा, रेगुलर रहता है नवरात्रि की वजह से? ना, नवरात्रि कुछ क्या, यहाँ पे जो भी कोई आता है उसके लिए दर्शन करता है, उसके लिए प्रसाद मिलता है, और प्रसादी भंडारे की भी यहाँ पे लंगर भी चलता है। ने यहाँ लंगर खाया प्रसादी, बहुत अच्छा लंगर होता है, सबको ही पता है गुरुद्वारे में तो बढ़िया मिलता है, तो बच्चों की भूख भी शांत हुई और हमें गुरुद्वारे का प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखो पूरा यहाँ से अंदर गुरुद्वारे के लिए जाते, तो अब निकलते हैं घर के लिए। तो ये गुरुद्वारे से इतना खा के आए हैं, ये यहाँ से हिलने को राजी नहीं है भाई, और ये इनके संग साथी मिल गए हैं, तो ये भी इनके साथ ही बैठे हुए हैं क्योंकि ये भी थक चुके हैं, और ये अब इनसे चला नहीं जा रहा है, पेट में ज़्यादा पड़ गई है क्या, तो कब यहीं सोएगी? ये देखो ऐसे तो पता ही है, इतने दूर तक जाना, नीचे कैसे जाए नीचे, इसलिए आई तो एक खाई। तुमने एक खाई? तुम्हारी इसने अगर दो खाई तो तुमने एक खाई, तो काफी ज्यादा खाई है आपने। तो मैंने खा ली है। हाँ ये देख लो, इसने 3 रोटियां खाई हैं। मैंने दो। डरते से आपका यहाँ से? तो ठीक है भाई, अब हम यहाँ से निकलते हैं, इनको देखते हैं, हिला डुला के ले जाऊंगी एक को, तो मैं इन्हें लुढ़का दूंगी, धीरे धीरे लुढ़कते पहुंच ही जाएंगे शाम तक। ढलान है ना, ढलान से आराम से उतार दूंगी इन्हें, लेट जाइयो, मैं धीरे धीरे ऐसे पुश करती जाऊंगी और नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है? ये बच्चे हमारी बातें बड़े प्यार से सुने। बेटा कहाँ से आए हो आप, कहाँ रहते हो आप? बाबरपुर? बाबरपुरी? बाबा पीर। बाबा पीर पे? अच्छा, कहाँ है बाबा? अच्छा, मंदिर में? अच्छा 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 अच्छा, तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, यहीं रहती हैं गुरुद्वारे में, इनका कितना अच्छा भाग्य है कि उन्हें गुरुद्वारे में रहने को मिला है। मम्मी पापा भी रहते हैं आपके? मम्मी पापा भी रहते हैं? सब लोग रहते हैं? तुम इतनी सुस्त क्यों हो, क्या हुआ, खाना नहीं खाया? देखो भाई, ये बच्ची मुझे बहुत मासूम लग रही है, इसने कुछ नहीं खाया शायद। बेटा लंगर नहीं खाया आपने? लंगर खा लो, लंगर खा लो, जाओ खा लो।
क्या खा लिया लंगर? ये देखो खा के भी बोल रही है, ये कह रही है मैंने नहीं खाया लंगर, नहीं खाया, खाया है, खाया है गलती से, ये खा के सुस्त है, गलती हो गई मेरे से। चलो चलो चलना पड़ेगा भाई, चलो चले। अरे भाई नीचे चलो, थक गए हैं घर पे आराम करेंगे। तो भाई हम निकलते हैं, थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, तो हम लोग थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। बच्चों के मुंह ऐसे हो गए नाजुक से, मुरझा चुके हैं बेचारे हमारे बच्चे, पूरे टाइम थक ही गए हम। बस अब हम घर ही जा रहे हैं। सामने आप एक प्रतिमा है, ये झरोखे से बने हैं, यहाँ रानियाँ महारानियाँ खेल करने आती थी, अपना टाइम पास करती थी। तो देखो इतना सुंदर है ये रास्ता, और हम भी वही कर रहे हैं टाइम पास, और हमारी जगह अलग है, थकान उतार रहे हैं हम। ये देखो रास्ता जाने के लिए, और ये गुरुद्वारे के लिए। तो अब हम क्षमता नहीं रही चलने की, हम से आ रहे हम रेंग रहे हैं, अब हम रेंग रहे हैं। कोई रस्सी से बांध के खींच लो हमें, गुन्नू ने खींच लिया, गुन्नू वहीं आ जाएगी। ये देख गुन्नू में सबको पावर ही नहीं है बिल्कुल, हमारी बैटरी लो हो चुकी है भाई। आधे बच्चे ने हमें सब्सक्राइब कर रखा था पहले से, ये बोल रहे हैं आंटी आपको हमने देखा यूट्यूब पे, और आधे बच्चों ने हमें अभी सब्सक्राइब किया है। इन बच्चों से मिले बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतना प्यार ये दे रहे हैं हमें, इतना पूरे किले पे किसी ने भी नहीं दिया। स्कूल पिकनिक पे आए हैं ये लोग, ये हाँ स्कूल पिकनिक पे आए हैं अपने टीचरों के साथ, ये अकेले नहीं आए हैं, बहुत समझदार और संस्कारी बच्चे हैं। इन बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और ये हमारी दीदियाँ जा रही हैं मुस्कुराती हुई, इन्हें भी हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं और अभी सब्सक्राइब भी करेंगे हमें। ठीक है चले फिर चले। क्या ये देखो पूरा किला हमने घूम लिया है भाई, बहुत आनंद आया, थक जरूर गए पर आनंद बहुत आया, काफी बच्चे मिले हमें, बहुत एक्टिव बच्चे थे, और अभी इतनी ठंडी हवा लग रही इतनी धूप में भी। और ये देखो हमारे बच्चे भी अब ठीक हैं, ये भगवान का प्रसाद गुरुद्वारे में लेके जब से इनमें एनर्जी आ गई, अब कोई सुस्ती नहीं है इनके अंदर, बहुत फुर्तीले। देखो ये तो देखो ये कितना एक्टिव हो रहा है, गेट दिख रहा है, गेट दिखने लगा। ये देखो की मतलब राहत भरी सांस आ रही है कि हमारी मंजिल पार हो चुकी है गाइस। ये देखिए बहुत मेहनत की है गाइस हमने इस ब्लॉग को बनाने में, सुबह 5 बजे उठना, तैयार होके नहा धो के पूजा करके आना। तो गाइस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बाकी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। बोल तो भी बच्चे भूखे प्यासे जैसे तैसे पहुंचे कि आपको मुझे किला दिखाना था, वो दिखाया, लास्ट में हमें घाट भी मिल गया, गला बोलते बोलते इतना खराब हो गया। अपनी मेहनत को सफल बनाना है, बनाया है बड़ी मुश्किल से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा इस वीडियो को, खूब सारा प्यार दें, सारा प्यार देना, जितना बड़ा किला है ना उतना बड़ा प्यार देना, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये देखो कितनी मेहनत से बेचारा कहाँ आके बैठा है पंकज, ये थक चुका है पर बता नहीं रहा क्योंकि ये हमारा, बोलो भाई ये देखो कुछ अपील हो आपकी जनता गाइस से, अब घर पे आके बोलेंगे जो कुछ बोलना है। वो कह रहे हैं कि गाइस आपको दिखाने के लिए मेरी बुआ ने जो मेहनत करवाई है ना उस पे एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बनता है और शेयर भी, बस घर पे पहुंच जाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें ई बुआ को बहुत बड़ा ब्लॉग कर दें, सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दे। तो गाइस हम अपना पूरी यात्रा सफल करके नीचे आ चुके हैं, ये देखो शुरुआत में आपको दिखाया था, और अब हम बहुत थक चुके हैं तो हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस वाले ब्लॉग में, तो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो को खूब सारा प्यार करना, कमेंट करके बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। देखो ये बहुत अच्छा दिखाया हमने आपको इसमें, जितना हमारी हमने बस में था कोशिश की पूरा दिखाया। तो बाय बाय।